प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में जनसभा को संबोधित किया और आज उनकी ये पहली रैली थी जहां वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए की सरकार ही महाराष्ट्र में विकास के काम कर सकती है। जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इन दिनों लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है, पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस नेता